मैं हूँ रीना और स्वागत करती हूँ आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से आप वेस्ट चीजों का वेस्ट मटेरियल का यूज करके सिलाई की चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत ही अच्छे और उपयोगी ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। और स्पेशली दोस्तों मुझे इस ऑर्गेनाइजर के लिए बहुत ही ज्यादा कमेंट आती है, तो आज मैं इसका वीडियो भी आपसे शेयर करूंगी। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा और आपको बहुत पसंद भी आएगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों, आप इतना ज्यादा हमें पसंद करते हैं, हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो अभी कर लीजिए और चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपके थ्रेड भी इसी तरह से उलझ जाते हैं तो आपको लेना है एक बॉक्स और बॉक्स के मेजरमेंट के हिसाब से आपको एक कार्डबोर्ड कट कर लेना है। मैंने यहाँ पर लिया है शादी का कार्ड और उसे इस तरह से कट कर लिया है। कट करने के बाद हमें इसे ग्लू के हेल्प से चिपका देना है और इसी तरह से एक और उससे छोटा हमें कार्डबोर्ड लेना है और उसे भी चिपका देना है। अब आपको उसके अंदर इस तरह से अपने सारे थ्रेड को ऑर्गेनाइज करना है। तो बस रेडी है ये हमारा थ्रेड ऑर्गेनाइज़र। आपके सारे थ्रेड्स बहुत ही अच्छे से इसमें ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। अगर आपको भी आइसक्रीम बहुत पसंद है और आपके पास भी इस तरह के आइसक्रीम की खाली डिब्बियाँ हैं तो आप उसे लीजिए और इस तरह से अपने सारे सामान को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कीजिए। उसके बाद इन सारे डब्बियों को आपको अपनी मशीन का जो बॉक्स होता है उसके अंदर रख लेना है। देखिए बहुत ही अच्छे से आपका सारा सामान ऑर्गेनाइज हो जाएगा। नेक्स्ट आइडिया के लिए आपको लेना है फैब्रिक 14x10 इंचेस का, उसी के नाप से आपको अस्तर लेना है और फोम लेना है। इन तीनों को स्टिच करके आप क्विल्ट बना लीजिए। अब हमें लेना है ट्रांसपेरेंट सीट, वो है 10x4 इंचेस की और ऐसे हमें 3 पीस लेने हैं। ट्रांसपेरेंट सीट की हेल्प से ही हम यहाँ पर 4x4 इंचेस की गैप पर मार्क कर लेंगे। ट्रांसपेरेंट सीट हम जिप के ऊपर अटैच कर लेंगे और ये हमारे 3 पीस रेडी हैं। ट्रांसपेरेंट सीट को हमने जहाँ पर मार्क किया था वहाँ पर हम स्टिच करके अटैच कर लेंगे। सभी पीस को अटैच करने के बाद हमें पाइपिंग लगाकर उसे कवर कर लेना है। पाइपिंग करने के बाद हम हैंग करने के लिए इसके ऊपर एक हैंगर अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमें चारों ओर पाइपिंग कर इसे कवर कर लेना है। सो गाइस रेडी है ये हमारा बहुत ही सुंदर थ्रेड ऑर्गेनाइजर। आप इसे और भी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं एक और ऑर्गेनाइज़र जिसके लिए मैंने लिए हैं लैंगीज के कवर। लैंगीज को हम निकाल देंगे और मैंने यहाँ पर 3 कवर लिए हैं। 3 लैंगीज के कवर को इस तरह से अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए और उसके ऊपर हमें एक साथ स्टिच कर लेनी है। आपके पास मशीन नहीं है तो आप हाथों से भी स्टिच कर सकते हैं। तो बस रेडी है कि हमारा बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूजफुल ऑर्गेनाइज़र। यहाँ पर आप अपनी सिलाई से रिलेटेड सारी चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए भी मैंने क्विल्टेड फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक का मेजरमेंट है 7x6 इंचेस और इसे हम कॉर्नर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 2 इंचेस पर मार्क कर लेंगे और जहाँ पर हमने मार्क किया है वहाँ पर हम क्रॉस में स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से हमें चारों कॉर्नर पर कर लेना है और इसे हम सीधा करने के बाद इस तरह से पाइपिंग कर लेंगे।
तो बस रेडी है ये हमारा बहुत ही सुंदर ऑर्गेनाइजर। इसे भी आप मशीन का जो बॉक्स आता है उसके अंदर रख कर अपनी सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए आपको लेना है 14x10.5 इंचेस का एक क्विल्टेड फैब्रिक। क्विल्ट करने के लिए मैंने अस्तर लिया है, फोम लिया है, ऊपर फैब्रिक और उसके ऊपर स्टिच करके इस तरह से क्विल्ट रेडी कर लिए है। अब हम लेंगे 10.5x4 इंचेस का पार्ट्स, वो भी क्विल्टेड है और ऐसे आपको तीन पार्ट्स लेने हैं। इन पार्ट्स को आप सिंपली फोल्ड भी कर सकते हैं या तो फिर आपके पास कोई लेस है तो उसके ऊपर लेस अटैच कर सकते हैं। उसके बाद इसे आपको जो हमारा एक मेन बेसिक फैब्रिक था उसके ऊपर इस तरह से सेट करना है और हम उसे इस तरह से स्टिच करके अटैच कर लेंगे। तीनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है, जो भी एक्स्ट्रा है उसे कट कर लीजिए और आपको इसका सेंटर निकालना है और वहाँ पर मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद एक छोटी सी पतली सी लेस लगाकर हमने यहाँ पर स्टिच कर ली है जिससे कि यहाँ पर पार्टीशन हो जाएंगे। तो ये हमारे 6 पॉकेट रेडी है इसके अंदर। अब इसके साइड पर भी हम लेस लगाकर इसे कवर कर लेंगे। अब आपको लेना है एक हैंगर और उसे यहाँ पर इस तरह से अटैच कर लीजिए। इसके अलावा आप यहाँ पर छोटा सा लूप लगा कर भी इसे हैंग कर सकते हैं। सो गाइस, रेडी है ये हमारा मल्टीपर्पज़ ऑर्गेनाइज़र। इसे सिलाई के सामान के अलावा आप अपनी और भी बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे इसी तरह के एक यूज़फुल और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भारत।